Hello everyone, I hope you all are well and good. Again welcome all of you in computer classes for 8th class. In previous videos, we had discussed about chapter number 1, computer networking. Almost the chapter was completed, but here we are discussing the question answer of this chapter. So let's start. First question is, what is a protocol? प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क. प्रोटोकॉल एक रूल्स का सेट होता है बेटा, जो आपकी कम्युनिकेशन को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है. कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल भी प्रोटोकॉल के थ्रू ही बनाया जाता है. जो भी आप कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर लगे हुए हैं, उनके अंदर जो डाटे की ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन है, दैट इज गवर्न बाय द प्रोटोकॉल. आई होप आपको प्रोटोकॉल समझ में आया होगा बेटा. एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है SMTP, मेल सेंड करने के टाइम आपका यूज होता है. FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. यहाँ पे आप साथ में प्रोटोकॉल्स की एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला HTTP, FTP, SMTP, etc. नेम द वेरियस कंपोनेंट्स नीडेड फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क. सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए. सो फर्स्ट इज NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था. कंप्यूटर CPU के अंदर आपका ये कार्ड लगता है, जिसके अंदर आपकी नेटवर्क की एस्टैब्लिशमेंट होती है, वायर्स लगती हैं. हब और स्विच, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसमें पोर्ट्स होते हैं. उन पोर्ट्स में आप जितनी डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हो एक दूसरे के साथ, आप उस हब के पोर्ट्स में उन डिवाइसेस के वायर्स को लगा देते हो. राउटर, ये आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको रूट दिखाता है. ये रूट मतलब डाटा कैसे ट्रांसफर होगा, ये राउटिंग दो नेटवर्क्स के बीच में राउटर काम करता है. मॉडम, मॉडम इज अ नेटवर्किंग डिवाइस. मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इज अ फुल फॉर्म ऑफ द मॉडम, जिसमें आपने पढ़ा था. यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल डाटा कन्वर्ट करने को बोला जाता है मॉड्यूलेशन, एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने को बोला जाता है डीमॉड्यूलेशन. इसके एग्जाम्पल, जैसे वाईफाई आपके घर में लगा होता है, वहां पे एक व्हाइट कलर का बॉक्स होता है, दैट इज कॉल्ड मॉडम, जिसके थ्रू आपकी नेट की कनेक्टिविटी पॉसिबल होती है. नेटवर्किंग केबल, जिसको ईथरनेट केबल भी कहते हैं, जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसफर होता है, जो वायर नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग केबल. आपको यहाँ पे डिटेल नहीं, जस्ट कॉम्पोनेंट्स के नेम ही करने हैं, बट डिटेल इसीलिए आपको बताइए ताकि आपको पता हो ये सारी चीजें क्या है. थर्ड क्वेश्चन इज, डिफाइन क्लाइंट एंड सर्वर. क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है? एज यू ऑल नो, क्लाइंट इज अ कंप्यूटर विच डिपेंड ऑन द सर्वर फॉर ऑल द रिसोर्सेज. एक सर्वर क्या होता है, पहले सर्वर समझते हैं. दिस इज अ मेन कंप्यूटर, कंट्रोल द एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क. जब आप नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे होते हो, एक मेन कंप्यूटर होता है, दैट इज सर्वर, एंड उसके साथ कंप्यूटर्स जो अटैच होते हैं उनको हम क्लाइंट कहते हैं. क्लाइंट को जो भी काम करना होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एडमिट करके उसको वो काम करने की परमिशन देता है. सो दिस इज अ वर्क ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर. एंड आई होप आपको क्लाइंट समझ में आया होगा एंड सर्वर समझ में आया होगा, जो हर एक तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को असेस करने का कंट्रोल सर्वर के हाथ में ही होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज टोपोलॉजी. टोपोलॉजी रेफर्स टू द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स इन अ नेटवर्क. नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं उनको हम नोड्स भी बोलते हैं. उन नोड्स को आप अरेंज कैसे करोगे, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी. अरेंज इन द सेंस, एक लाइन में लगाना है, सर्कल में लगाना है, सेंटर के साथ अटैच करना है, ट्री बना के अटैच करना है, किस तरह से आप अरेंज करोगे, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी. देन लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इसकी एडवांटेज बतानी है हमें. कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. एडवांटेज क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली शेयर्ड बाय अ पीपल. पीपल इंफॉर्मेशन को बहुत इजिली शेयर कर सकता है क्योंकि वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर सारे.
हार्डवेयर की कॉस्ट कम हो जाती है, बिकॉज जैसे आपने सपोज 10 कंप्यूटर्स लगाए हैं, उनके साथ प्रिंटर एक ही अटैच किया है, तो वो प्रिंटर सारे क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं विद द रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर को और सर्वर उसकी परमिशन दे सकता है जो जो क्लाइंट उसकी रिक्वेस्ट करता है। तो इस तरह से आपको 10 प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है, एक प्रिंटर आपका शेयर हो सकता है विद 10 कंप्यूटर्स थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन सेंट्रलाइज लोकेशन, जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसी के ऊपर सारी डाटा सारा इंफॉर्मेशन आपका स्टोर होता है। आपको ये डाउट नहीं रहता, डर नहीं रहता मेरा डाटा डिलीट हो जाएगा, ये है क्योंकि वो सारा डाटा आपका सर्वर में इंस्टॉल्ड है, आप कभी भी वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। रिलायबिलिटी इंप्लाइज बैकिंग अप ऑफ द इंफॉर्मेशन इफ द सिस्टम क्रैश। वही सेम चीज, अगर मान लो जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो वो सिस्टम क्रैश हो गया, देन द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ऑन अनदर वर्क स्टेशन फॉर द फ्यूचर यूज। तो वही इंफॉर्मेशन हम दूसरे कंप्यूटर से भी ले सकते हैं और सर्वर के पास तो होती है उसकी इंफॉर्मेशन सारी। जैसे कि आप अपनी लैब की एग्जाम्पल लो, सर्वर के साथ जो कंप्यूटर लगे हैं दैट इज क्लाइंट्स, जो जो आप अपने क्लाइंट्स पे काम करते हो वो सारा काम सर्वर में ही जाके सेव होता है। गॉट इट? तो सर्वर को जब भी आपका कोई सिस्टम खराब होता है तो उसका डाटा रिकवर कर सकती हूँ दूसरे क्लाइंट से या फिर सर्वर से। रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो आप कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करते हो एक दूसरे के साथ अटैच करते हो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। कैसे? जब हार्डवेयर ही कम लगेगा तो कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी, रिडक्शन उसकी इंस्टॉलेशन की, वायर्स उतनी कम हो जाएंगी जितनी कम डिवाइसेस को आप अटैच करते हो। 10 कंप्यूटर्स के साथ एक ही प्रिंटर लगाना है, कहीं आपने 10 प्रिंटर लगाने होते 10 वायर्स लगती, तो इस तरह से इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी इसमें कम पड़ती है। आई होप बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसकी कुछ और भी है एडवांटेजेस, यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू सिक्योर द डाटा। डाटे को सिक्योर रखने के लिए यूजर ऑथेंटिकेशन होती है, मतलब जो जो यूजर इसको यूज कर सकते हैं उन्हीं को ही परमिशन दी जाती है, क्योंकि इसमें आप पासवर्ड भी अपना लगा सकते हो डाटे को सिक्योर करने के लिए। People will have the accessibility to all the information they need to get and share through emails and instant messaging, which saves time and money in passing information. तो people सारी information को access कर सकते हैं जो जो authenticated होते हैं, और जैसे जैसे उसको data share करना होता है they can share, इससे उनकी time और money दोनों ही save होता है। Second long question है बेटा, LAN and MAN को describe करना है। LAN is local area network, आप पहला पॉइंट तो इसका यही बना सकते हो, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, आप फुल फॉर्म बता सकते हो। LAN is a local area network and ये डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लार्जर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, जिनकी रेंज होती है लेस देन 1 किलोमीटर, ज्यादा दूरी तक ये नहीं रहता। अगर एग्जाम्पल देनी हो कंप्यूटर लैब, आपकी स्कूल की बिल्डिंग एटसेट्रा। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें टू और मोर लोकल एरियाज और कैंपस एरियाज को आपस में कनेक्ट किया जाता है, और इसकी रेंज होती है विद इन द सेम सिटी और टाउन, सेवरल बिल्डिंग्स, अलग अलग बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो विद इन द सेम सिटी। वो कौन करता है काम? मैन करता है, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, केबल नेटवर्क दे सकते हो, बैंक जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसकी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। तो ये थी बेटा आपके क्वेश्चन आंसर। सो नाउ दिस इज क्रैक द कोड, ये आपकी एक्टिविटी पोर्शन है। सबसे पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सुमित वांट्स टू सेट अप अ नेटवर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। सुमित ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी यूज करेगा, क्योंकि उसको कनेक्ट करने है सारे कंप्यूटर एक सर्कुलर पाथ में, कनेक्ट करने है एक सर्कल में, तो उसके लिए टोपोलॉजी कौन सी होगी? रिंग टोपोलॉजी। दीपक ने सेटअप करना है सर्वर विच मैनेज ऑल द नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क की सारी ट्रैफिक को जो हैंडल करेगा उस सर्वर को, कौन सी टाइप का सर्वर यूज करेगा? नेटवर्क सर्वर। क्रॉसवर्ड को सॉल्व करते हैं बेटा, टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स वायरलेस कम्युनिकेशन विद इन अ शॉर्ट रेंज, ऐसी कम्युनिकेशन जो शॉर्ट रेंज में आपकी कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करती है इनेबल, दैट इज कॉल्ड ब्लूटूथ। तो डाउन में वन नंबर का आंसर देखो, BLUETOOTH, ब्लूटूथ। A system of interconnected computers, इसका आंसर आएगा नेटवर्क, देखो टू नंबर में क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच सेंट्रल नोड एक्ट एज अ हब, वो टोपोलॉजी होती है स्टार, जिसमें हब लगा होता है, तो ये देखो फोर का आंसर क्या आ रहा है, स्टार। डिवाइस दैट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क, कौन सी डिवाइस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देती है आपको? हब, फाइव नंबर का हब। ब्लूटूथ नेटवर्क कौन सा होता है बेटा? P2P।
पी टू पी को आप पॉइंट टू पॉइंट बोल सकते हो, जिसमें एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को डाटा डायरेक्टली सेंड करती है। डाउन का मतलब जो बॉक्सेस नीचे को जा रहे हैं हमने उसी में ही डाटा फिल करना है। अक्रॉस मतलब इस तरह से, हॉरिजॉन्टल में जो आपका डाटा सेंड होता है लिखा जाता है वो होती है अक्रॉस। कंप्यूटर विच डिपेंड ऑन द सर्वर फॉर ऑल रिसोर्सेज, ऐसा कंप्यूटर जो सारे काम के लिए सर्वर पे डिपेंड करता है उनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो देखो थ्री नंबर पे आ गया क्लाइंट। नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी डिवाइस है जो डाटे को ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करती है, दैट इज राउटर। सेट ऑफ द रूल्स दैट डिफाइन हाउ पेजेस ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट, कहते वो रूल्स कौन सी हैं जो कितने पेजेस डाटे ट्रांसफर करने हैं इंटरनेट के ऊपर, वो कौन सेट करता है, एच टी टी पी, दैट इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो बेटा बुक का ही काम था आपका, जो आपने नोटबुक पे अपनी एक्टिविटी करनी है वो क्या करनी है, आपको टोपोलॉजीज के डायग्राम्स को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। आपकी स्कूल लैब में भी जो टोपोलॉजी है वो भी इसके अंदर ही आ जाएगी। तो आपकी एक्टिविटी नोटबुक पे डन होनी चाहिए, ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ टोपोलॉजीज। आपके पास 4-5 टोपोलॉजीज है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो 5 टोपोलॉजीज के डायग्राम एंड इट्स हेडिंग, डेफिनेशन नहीं लिखनी, जस्ट डायग्राम्स को लेबल करके आपने अपनी नोटबुक पे एक्टिविटी को डन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।